22 सितंबर को भाजपा ने महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कमल शक्ति अभियान का आयोजन शहर की पंजाबी धर्मशाला में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला बैरागी व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने किया। नीलोखेड़े विधानसभा के दर्जनों गाँव से हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आई हुई महिलाओं को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का भरपूर समर्थन दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी की महिलाओं को उचित स्थान देकर विधानसभा में भेजेगी। उन्होंने कहा कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला की कड़ी मेहनत छिपी होती है। बड़े उत्साह के साथ आज हम यहाँ महिला मोर्चा कमल शक्ति सम्मेलन बनाने जा रहा है। और हमें जो प्रदेश से मिला था कि सभी जिलों में सभी विधानसभाओं में कमल शक्ति सम्मेलन मनाना है, तो आज हमारा दूसरा सम्मेलन नीलोखेड़ी विधानसभा में है और हम अपने भाई सुभाष चंद्र जी के सहयोग से ये कमल शक्ति सम्मेलन कर रहे हैं। और सभी बहनें बड़े उत्साह के साथ इस सम्मेलन में भाग ले रही हैं, क्योंकि अब तो आपको पता ही है आचार संहिता लगी और चुनाव का बिगुल बज चुका है। 21 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज सभी बहनें बड़े उत्साह के साथ नीलोखेड़ी में इकट्ठा होकर कमल शक्ति सम्मेलन को पूरे जोर शोर से उसको कामयाब करेंगे। और महिला शक्ति आने वाले समय में दोबारा 75 बार अपने मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। महिला शक्ति को लेकर आपके क्या विचार? महिला शक्ति को, क्योंकि हमारी सरकार ने अभी कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है जो महिलाओं के लिए नहीं, कई ऐसी चलाई है जो महिलाओं के लिए है, तो हम अपनी सरकार से बिल्कुल खुश हैं। हमें किसी प्रकार की कोई ठीक है, उन्होंने जो सोचना है वो सोचे। ये तो काम जो सोचना है हरियाणा की जनता का है, हम नेताओं का नहीं, जनता का है जिन्होंने वोट देनी है। और सबसे पहली बात ये थी कि हरियाणा में आप देखें कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और इस जन आशीर्वाद यात्रा में जो उमड़ कर सैलाब आया है उसमें ये हो गया कि आम जनता जो है वो बीजेपी सरकार को पसंद करती है। कितनी भागीदारी रहेगी महिलाओं की जिस क्षेत्रों में? महिलाओं में भागीदारी बिल्कुल अब बढ़ने वाली है। पिछली बार जितनी रही थी उनसे ज़्यादा अब की बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। आज के कार्यक्रम का क्या आयोजन है? आज कमल शक्ति महिला कार्यक्रम है। कमल शक्ति महिला कार्यक्रम का मतलब यह है कि आज हम उन महिलाओं तक अपनी सरकारी योजनाओं को, चाहे केंद्र की हैं चाहे वो हरियाणा सरकार की हैं, उन तक पहुंचाएंगे। जिन अंत में खड़ी जो महिला है उनके पास गैस नहीं है, उनके पास कार नहीं है, उनके पास आवास नहीं है, उनके पास शौचालय नहीं है, जिन बहनों के पास ये सुविधाएँ नहीं पहुँची हैं उन सुविधाओं की जानकारी इस महिला सम्मेलन में दी जाएगी और जो बहनें इससे वंचित रह गई हैं उनको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। आज पार्टी नेतृत्व के द्वारा, आदरणीय बहन प्रदेशाध्यक्ष जी के द्वारा, जिलाध्यक्ष जी के द्वारा मुझे ये कार्यक्रम का जिम्मेवारी दी गई थी। आज कमल शक्ति महिला सम्मेलन ये पूरे हरियाणा में विधानसभा अनुसार चल रहे हैं और उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम है। जैसे हमारी आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की है, जो महिलाओं के लिए लाभ किया है, लाभ की योजनाएं दी है, उन सब योजनाओं के बारे में आज इस सम्मेलन में जानकारी दी जाएगी। और इस सम्मेलन में पूरी नीलोखेड़ी विधानसभा से आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ बहनें आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से बहनें महिलाएँ जो भी विचार लेकर के जाएंगी उसको वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।